है तो क्या होता है। देश में जो थोड़ी बहुत महंगाई थी, अचानक मोदी जी की आंख खुली, जनता की लाचारी बेबसी उनसे देखी नहीं गई। तो मोदी जी ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक झटके में कम कर दी और देश की मीडिया ने राम राज्य की घोषणा कर दी। अमृतकाल, तमाम राग दरबारी पत्रकारों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और मोदी जी को विष्णु जी का 53वां अवतार बताने में कोई कसर नहीं। लेकिन आइए समझते हैं, क्या आपको दाम कटौती के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है? आइए समझते हैं बिल्कुल सरल सुलभ भाषा में। पंप पर डिस्काउंट से पहले पेट्रोल का दाम 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर था और पिछले 2 महीनों में पेट्रोल पर 10 रुपए तक बढ़ाए गए। बंपर डिस्काउंट से पहले डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर था और डीजल पर भी पिछले 2 महीनों में 10 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन अब पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 7 रुपए घटाए गए, लेकिन पिछले 2 महीनों में कितने बढ़ाए गए? पूरे 10 रुपए। यानी पहले जख्म गहरा कर दो, फिर जनता की ही जेब से उसी का मरहम उसी के जख्म पर लगा दो और वाहवाही लूट लो। मोदी जी, आपको नींद कैसे आती है? अरे माफ करें, आप तो 18-18 घंटे काम करते हैं ना। लेकिन मोदी जी यदि जाग रहे हैं तो आंकड़े सुनते जाइएगा। 2014 में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर थी, डीजल पर 3 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर। लेकिन जब से आप आए, पेट्रोल डीजल के अच्छे दिन आ गए। आपने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 21 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। यानी आपके अनुसार बम्पर डिस्काउंट के बाद भी आप पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे वसूल रहे हैं। यानी पिछली सरकारों से पेट्रोल पर दुगना और डीजल पर 5 गुना टैक्स वसूल रहे हैं। इसके लिए देश आपका एहसानमंद है। अब कुछ अंधभक्त लोग कहते हैं, महंगाई तो समय के साथ बढ़ती है लेकिन उसी अनुपात में लोगों की आय रोजगार भी बढ़ते हैं। लेकिन जॉब्स बढ़ना कहाँ दिख रहा है? अभी तक तेल के जरिए मोदी 27 लाख करोड़ कमा चुके हैं और सांस तक नहीं ली, लेकिन हमें क्या बोलना है? थैंक यू मोदी जी। अगर मुझे पूरा तेल का खेल एक लाइन में समझाना हो तो मैं मोदी लॉजी का यूज करूंगी। 1 मार्च 2022 को पेट्रोल के दाम 95 रुपए 45 पैसे, 1 मई को 105 रुपए 41 पैसे और अब 22 मई को 96 रुपए 41 पैसे हैं। यानी अभी भी मोदी जी ने 96 पैसे बचा लिए 1 मार्च 2022 के दामों पर दोबारा पहुंचाने के लिए। तो समझ आई आपको मोदी लॉजी? अब किसी मोदी लॉजी से देश में महंगाई की कमर टूट गई है। थैंक यू मोदी जी। वैसे तो अखिल ब्रह्मांड लोक नायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महंगाई को नगण्य तुच्छ समझते हैं, इसलिए महंगाई के अभी भी मुंह नहीं लगते। लेकिन कल अवतरित होकर कहने लगे, जनता हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। अरे मोदी जी, बंद कीजिए इमोशनल ड्रामा, आप देश चला रहे हैं, कोई एकता कपूर का सीरियल नहीं। मोदी जी, कहाँ गई थी आपकी प्राथमिकता जब आपने पिछले 2 महीनों में 80 पैसे 80 पैसे करके पूरा 10 रुपए बढ़ा लिए और किसी को सूचित नहीं किया? लेकिन जब उन्हीं 10 रुपए में से 9.5 रुपए लौटा रहे हैं तो बड़े बड़े मीडिया में इश्तेहार छप रहे हैं, मोदी जी 9.5 रुपए केवल पिछले 2 महीने की देनदारी है, 50 पैसे वो भी बचा लिए। थैंक यू मोदी जी। जब पेट्रोल डीजल पर पैसे बढ़ते हैं तो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब कम होते हैं तो रातों रात जगह जगह कर बताया जाता है पेट्रोल के दाम घट गए। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी सोच पर टीवी चैनल्स का पहरा है। जितना दिखाएंगे, जैसा दिखाएंगे, केवल वही सोचेंगे आप। यानी आपको एक तरह से उन्होंने माइंडलेस बना दिया है। लेकिन जो अंधभक्त खुश हो रहे हैं उनसे मेरा सवाल है और साथ ही चैलेंज भी है, जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो क्या आप हर गली मोहल्ले पोस्टर लगा लगा कर बताओगे पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है? थैंक यू मोदी जी, भी तो बोलना पड़ेगा। सत्यमेव जयते।